वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी एक बड़ी सेट डेफिनेशन है इसकी, रटी रटाई डेफिनेशन है बेटा, वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी की जो प्रॉपर सेट डेफिनेशन है, दैट इज वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। याद है क्या बचपन का? हाँ बड़ा याद होगा तुम्हें बचपन का, अभी का तो याद नहीं रहता है तुमको। यस मैम, कौन बोला था जोश में? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कंबाइनिंग का मतलब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है। क्यों कंबाइन करता है? क्योंकि वो अकेला स्टेबल नहीं है। सिर्फ इनर्ट गैसेस को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट का एक एक एटम स्टेबल नहीं है, तो उसको किसी और की ज़रूरत है, इसलिए वो दूसरे से क्या करता है? कंबाइन करता है। अब कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है? या तो वो अपने ही एटम से कंबाइन कर ले, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बना लेता है, या फिर वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर ले, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेता है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है। तो वो कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी कर सकता है, पर जब भी कंबाइन कर रहा है तो कैसे एटम्स कैसे कंबाइन करेंगे? बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। एटम्स का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? वो आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ बॉन्ड? अरे आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या, आप कह रहे हो मैं विज्ञान नगर में रहता हूँ। अरे मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज अ बॉन्ड, कह रहे स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। मैं ये नहीं पूछ रही कि व्हाई इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड, आई एम आस्किंग व्हाट इज अ बॉन्ड। एक वर्ड है, एक एक टर्म है, बॉन्ड। तुम्हारे मेरे बीच में बॉन्ड है, आंट वी बॉन्डेड? वी आर नॉट बॉन्डेड। ए भगवान, बर्बाद कर दी मेरा तो, क्या वो कंगना का डायलॉग है ना, जीवन बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने कहकर। व्हाट इज अ बॉन्ड? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंबाइन कैसे करेंगे? अट्रैक्ट होंगे ना, जब एटम्स अट्रैक्ट होंगे तभी तो वो आपस में रह पाएंगे। कंबाइन करने का मतलब क्या है? कंबाइन करने का मतलब ऐसे थोड़ना है कि वो चिपक जाएंगे, ये थोड़ना है। कंबाइन करने का मतलब दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर एग्जिस्टिंग टुगेदर। एग्जिस्ट टुगेदर कैसे करेंगे? अगर मैं तुमको पसंद नहीं करती, तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या साथ में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। एक दूसरे को पसंद करेंगे तभी साथ में रह पाएंगे। पसंद करना इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, जो आप बोल रहे हो ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किसी भी रीजन से हो सकता है। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डेवलप हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से डेवलप हो। मैंने अपना इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर कर दिया, मैं पॉजिटिव आयन बन गई, आप नेगेटिव आयन बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो बन किसी भी रीजन किसी भी तरीके से हो सकता है, रीजन उसका स्टेबिलिटी होता है। पर बॉन्ड इज व्हाट, अगर कोई पूछे तो बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अभी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे ना, शेयर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का। अब एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको अपन वैलेंस शेल बोलते हैं। तो किसी भी एटम में जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन सारी बातों को अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाना, ये तो बुकिश डेफिनेशन है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कंबाइन कैसे कर रहा है? बॉन्ड बनाकर कर रहा है ना। तो किसी भी एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, वो नंबर उसकी वैलेंसी होता है। अगर कोई एटम है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल इनर्ट गैस, वो बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी कितनी है? जीरो, क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बना रहा। अगर कोई एटम एक बॉन्ड बना लेता है तो हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी वन है। दो बना लेता है, हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी टू है। तो वैलेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। जब वो दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है तो वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो नंबर उसकी क्या होती है? वैलेंसी। क्या है, समझ में आ रहा है? अब वो बॉन्ड्स किससे बना रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना रहा है। तो जब आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी होगी तो आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का क्या रिलेशन है, शायद आपको ये देखकर याद आ जाए। वैलेंसी इज इक्वल टू
अच्छा, किसी भी वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये बात आपको पता है? किसी भी वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है? तो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1 or 2 or 3. अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वैलेंसी 1, अगर दो प्रेजेंट है तो वैलेंसी 2, अगर तीन प्रेजेंट है तो वैलेंसी 3. जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही क्या हो जाएगी वैलेंसी, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है 1, 2 या 3, ठीक है? ये तो एक पहला फॉर्मूला हो गया. दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कब, व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4 to 8. अगर 4 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो आप वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करोगे तो वैलेंसी आ जाएगी, ठीक? छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम कॉन्फिग्रेशन क्या है, अगर सिंपल कॉन्फिग्रेशन भी याद हो तो 2, 8, 1, हाँ लास्ट में क्या रहा है 3s1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये वाली कैटेगरी आ गई. इसमें क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, ठीक है? सपोज आपने बोला मैग्नीशियम, कॉन्फिग्रेशन क्या आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सिंपल कॉन्फिग्रेशन लिखे तो 2, 8, 2, लास्ट में कितने आ रहे हैं, वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 2, ठीक? फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, इसमें आता है 3s2, 3p1, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, 2, 8, 3, राइट? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं. चलो सपोज कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, कॉन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं, अगर सिंपल लिखेंगे तो 2, 4 हो जाएगा, वैसे लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p2 हो जाएगा, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4. जब 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आप 8 माइनस 4 करके इसकी वैलेंसी निकाल दोगे. सपोज नाइट्रोजन कितना है 2, 5, 2p3 हो गया ना, 2s2, 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैलेंसी 3. तो अगर 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 में से आपको माइनस करके वैलेंसी निकालनी है, ठीक है? सपोज ऑक्सीजन 2, 6, वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2, दो बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन, है ना? फ्लोरीन 2, 7, 8 माइनस 7 करोगे कितनी वैलेंसी आ जाएगी 1. फिर आगे आपका नियॉन 2, 8, 8 माइनस 8 करोगे वैलेंसी कितनी आ जाएगी 0, ये बॉन्ड ही नहीं बनाता. आ रहा है समझ में वैलेंसी का मतलब? और हमने 8 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि 8 ही करने हैं उसको आउटमोस्ट में, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन के लिए. तो जितनी कमी है उतना ही तो वो करेगा. अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या कोशिश करेगा, मैं 2 कहीं से ले लूँ, तो 2 ही बॉन्ड बना रहा होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी निकलेगी 2 निकलेगी. सिंपल कॉन्सेप्ट. यहां तक क्लियर? अब इसका ट्रेंड देखते हैं वैलेंसी का, ठीक है? ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो वैलेंसी को क्या हो रहा है, ठीक है? तो जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलोगे तो जो वैलेंसी है वो 1 से इंक्रीज होती है 4 तक, और फिर 4 से डिक्रीज होती है 0 तक. ये ट्रेंड होता है, 1 से इंक्रीज होगी 4 तक, और फिर 4 से इंक्रीज होगी, मतलब 1 से इंक्रीज होगी 4 तक, फिर 4 से डिक्रीज हो जाएगी 0 तक. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का. सेकंड पीरियड लिखो फटाफट, लिथियम
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इसका हो जाएगा 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8. आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया पूरा, मतलब तो कॉन्फ़िगरेशन आ गए ना आपको. तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s1, 2s2, 2s2, 2p3, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 and 2s2, 2p6. ठीक है, अब इसकी वैलेंसी निकालें तो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं. नहीं, इतनी परेशान क्यों हो? अगर 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 या 3 वैलेंसी हो जाएगी. यहाँ से आपको 8 में से माइनस करना है, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, 8 माइनस 8. तो अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, वैलेंसी पहले 1, 2, 4 इंक्रीज हो रही है और फिर 0 तक डिक्रीज हो रही है. क्या ये समझ में आ गया? वैलेंसी का ही एक और टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर. पढ़ा हुआ है ना, वैलेंसी से मिलता जुलता है ऑक्सीडेशन नंबर. रिडॉक्स पढ़ा हुआ है ना तुमने, बोला था तुमने मुझे रिडॉक्स पढ़ा हुआ है हमने. अच्छा, आप कभी कभी क्या करते हैं, आपसे किसी के रिस्पेक्ट में वैलेंसी पूछ लेते हैं. जैसे इसमें ही पूछ लेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछ लेंगे. तो अगर हाइड्रोजन का कंपाउंड लिथियम से देखें तो क्या बनता है, LiH. बेरिलियम का BeH2. बोरॉन का क्या बनेगा, BH3. कार्बन का क्या बनेगा, CH4. नाइट्रोजन का क्या बनेगा, NH3. ऑक्सीजन का H2O, HF. और नियॉन का बनेगा ही नहीं. हाइड्रोजन की खुद की वैलेंसी कितनी होती है, 1. तो अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालो तो देखो इसकी वैलेंसी 1 है. इसने एक बॉन्ड बनाया है किसके साथ, लिथियम के एक एटम के साथ, यानी लिथियम की भी वैलेंसी कितनी है, 1. यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूं कि बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ. हर एक हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो बेरिलियम ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए, 2. ऐसे यहां पर देखोगे तो 3, 4, 3, 2, 1 एंड 0. सो जो नॉर्मल ट्रेंड है वैलेंसी का पीरियड में, वही हाइड्रोजन के साथ भी ट्रेंड है. 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज हो रही है, फिर 0 तक डिक्रीज हो रही है. ठीक, आप निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और यहां बेटर टर्म होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. देखो अब ये वाले पीरियड का एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि इसमें खुद में ऑक्सीजन आ रहा है तो उसका कोई कंपाउंड तो मॉलिक्यूल बनेगा बट कंपाउंड नहीं बन पाएगा. तो अपन थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं. कहाँ से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ठीक है, क्या कंपाउंड बनता है सोडियम का, Na2O. ठीक है, मैग्नीशियम का MgO, एल्यूमिनियम का Al2O3, सिलिकन का SiO2, फॉस्फोरस का PO4, फॉस्फोरस का P2O5, सल्फर का SO3, क्लोरीन का Cl2O7 और आर्गन का बनेगा ही नहीं. कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, जो ट्रेंड में बताना चाह रही हूँ वो लिख लेना. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2. हर एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है. यहां पर ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड किसके साथ बना रखे हैं, 2 सोडियम के साथ, तभी तो फॉर्मूला क्या बना, Na2O. यानी हर एक सोडियम ने कितना बॉन्ड बनाया है,
एक। ऑक्सीजन तो टोटल दो बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए उसने दो सोडियम यूज करे, यानी हर एक सोडियम ने कितने बॉन्ड बनाए, वन। ऐसे देखते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, वन। इसकी आ जाएगी टू, इसकी थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड जीरो। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो वन से लेकर सेवन तक इंक्रीज हो रही है और फिर जीरो हो रही। ठीक है, अगर ये नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ इस चीज़ को याद रख लो कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो वन से फोर तक इंक्रीज हो रही है, जीरो तक कम हो रही है, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वन से सेवन तक इंक्रीज होगी, और लास्ट में नोबल गैस में तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बस ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ केस आते हैं वेरिएबल वैलेंसी के, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन की वैलेंसी टू भी होती है और थ्री भी होती है, कॉपर, कॉपर की वैलेंसी वन भी होती है, टू भी होती है, टिन, टिन की वैलेंसी टू भी होती है, फोर भी होती है, लेड टू भी होती है, फोर भी होती है। इनके रीजंस हैं, वो अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स के, हाँ कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो वैलेंसी है वो वेरिएबल हो जाती है, एक से ज़्यादा हो जाती है, अलग अलग रीजंस है, किसी के डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए हो जाता है, किसी का कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो वो अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट अपन छोड़ देते हैं अभी। ठीक, वैलेंसी क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका ट्रेंड क्या है पीरियड में, अब बात करते हैं ग्रुप की, और ग्रुप तो बहुत सिंपल है, डाउन द ग्रुप, ट्रेंड डाउन अ ग्रुप, सोच के बताओ क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप जाने में वैलेंसी को क्या होगा, सेम रहेगी ना, तभी तो प्रॉपर्टी सेम आएंगी, सिमिलर आएंगी, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, है ना। हाइड्रोजन का 1s, 1, लिथियम का 1s, 2, 2s, 1, सोडियम का 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 1, पोटेशियम का आ जाएगा 4s, 1, रुबीडियम का आ जाएगा 5s, 1, सीजियम का 6s, 1 और फ्रांशियम का 7s, 1। हमें तो आउटरमोस्ट ही देखना है ना, तो सबके आउटरमोस्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। सबके आउटरमोस्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, इसलिए इन सबकी वैलेंसी भी सेम होगी, के वैलेंसी सबकी कितनी आ रही है, 1। और क्योंकि वैलेंसी पर ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज कैसी आती है, सिमिलर। हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो एक अलग केस है, बाकी प्रॉपर्टीज क्या आती है सबकी, सिमिलर। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एंड वैलेंसी इज ऑल्सो सेम, ये सारे ग्रुप्स के लिए वैलिड है।